बाद देहरादून की वायु प्रदूषण और यातायात के दबाव को कम करने के लिए शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके घंटाघर और परेड ग्राउंड में विक्रमों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। घंटाघर और परेड ग्राउंड को विक्रम के लिए फ्री जोन घोषित कर दिया गया है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 23 दिसंबर को आरटीए की होने वाली बैठक में इसके लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलते ही यह पाबंदी लागू हो जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये ऐसा एक प्रस्ताव हमारी आरटीए की बैठक जो 23 दिसंबर को होने जा रही है उसके अंदर ये प्रस्ताव भी रखा गया है कि जिसके अंतर्गत जैसे पूर्व में जो प्रेमनगर से विक्रम चलते थे उनको प्रभात सिनेमा से ही टर्न कराया जा रहा था, ऐसे ही एशले हॉल पर जो वहाँ से चलते हैं उनको किया जा रहा है। ऐसे ही हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो घंटाघर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर विक्रमों के चलने से बहुत ज़्यादा जाम की समस्या की पैदा हो रही है और हमारा ये प्रयास है कि वहाँ पर पैदल यात्रियों के लिए अच्छे फुटपाथ जो बनाए गए हैं उनका उपयोग हो सके। इसके लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे वाहन जो कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के हैं और इलीगली इस क्षेत्र में चल रहे हैं उनको नियंत्रित किया जा सके और आम लोगों को और स्टेज कैरेज की बसों के लिए रास्ता प्रस्तर किया जा सके।